अभी फिलहाल हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल तो खेलेंगे नहीं, बढ़िया क्रिकेट खेलने जा रहे हैं इंडिया, हमें कोई भी नहीं रोक सकता खेलने से, ये चीज़ आप समझ लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड या वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सुबह सुबह मतलब हम लोग रात को वहाँ सोए थे, सुबह सुबह मैं वहाँ से आ गया इंडिया, नहा सब के रेडी हो चुका हूँ एंड क्लास भी अटेंड कर चुका हूँ। एंड अभी मतलब क्लास में अभी लास्ट क्लास बचा है, मेरा लास्ट लेक्चर बचा है, तो वो मतलब टाइम है थोड़ा अभी 10-15 मिनट। तो अभी फिलहाल अपने को एक काम है एक्चुअली, सुबह सुबह मतलब मेरी दादी ने बोला था वहाँ से उस घर से मैं वहाँ पे ही था, तो सुबह सुबह बोली जब तू आ रहा है तो वो लेके आ जा, बट मैं वो लेके नहीं आया, तो उसकी पनिशमेंट जो है अब मिल रही है मुझे, अब जाके वो लेके आना। तो या वहाँ जाता हूँ लेके आता हूँ। मेरे को लगा कि आज एक ही दिन होगा जो मैं मतलब कल लग रहा था कि आज एक ही दिन होगा जो मैं ऊपर नीचे करूँगा, कल से नहीं करूँगा, बट या करना तो पड़ रहा है। ओके अपने मास्क को मिस किया ना, सच बताओ। आई नो नहीं किया रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, बट या मैंने बहुत मिस किया। एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरा मास्क जो है ना मैं रात को मतलब धोने के लिए रख देता हूँ या वो मैं धो के मतलब फिर से सुबह पहन लेता हूँ, इसलिए मैं तब से दो दिन से कि मास्क पहन रहा था। आपको लगता रहेगा कि मैं धोता नहीं हूँ, बट या मैं रात को धो के रख देता हूँ, सुबह तक वो सूख जाता है, फिर से मैं पहन लेता हूँ। सही है। और मतलब आज मैंने मतलब धोया नहीं था कल रात को, इसलिए वो वैसे ही पड़ा, इसलिए मैं बोला चलो दूसरा मास्क लेते नहीं है, ये मुझे वापस दिखाया, मेरे को फिर भूल गया, फिर मेरे को याद है कि अरे हाँ ये मास्क भी तो है अपने पास, सबसे यूनिक। यो रोज रोज को हो गया यहाँ से ऊपर जाना। तो या वाह घर पे जाते हैं एंड टेरिस पे मिलते हैं, पता नहीं टेरिस पे क्यों मिलना है, बट या फिर टेरिस पे मिलते हैं। ओके तो ये चीज़ है अपने को लेके जाना है या वो चीज़ लेके जाना। मैंने गलती से फ़ोन भी ला दिया है एंड ट्राइपॉड भी लाया है। अभी ट्राइपॉड पे यहाँ पे मैं रख नहीं सकता, कोस कैसे है ना, यहाँ पे अगर ट्राइपॉड रखूँगा तो फिर से मेरे को आना पड़ेगा। तो यार देखते हैं कैसे लेके जाना, कुछ थैली है नहीं तो हाथ से ऐसे पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं अपना कैमरा ऐसे पकड़ूँगा या फिर आइडिया ऐसे रख देता हूँ अंदर, चलो देखते क्या होता है क्या नहीं। एंड इनको आता रहेगा तो सॉरी, बिकॉज घर में अभी कुछ है ही नहीं। कैसे लेके जाएंगे इसे दादा। ओके भाई साहब आज मेरे को खेलने जाना था एंड या आज लगता नहीं है खेल पाएंगे, बिकॉज बारिश देख सकते कैसे जोर की हो रही है। थोड़ी देर पहले पूरे घर पे पानी आ रहा था तो मैं पूरा स्लाइडिंग सब बंद किया था मैंने, तो ना मेरे को लगता नहीं आज खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे आज हम लोग। ओके कितनी भी बारिश गिरे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल तो खेलेंगे नहीं, बढ़िया क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। यार बैग इसलिए लिया कौन बारिश गिरेगी तो, अभी कम हो गया बारिश वैसे तो बैग में रख दूंगा फोन एंड वहाँ पे बाजू में रख दूंगा इंडिया, हमें कोई भी नहीं रोक सकता खेलने से, ये चीज़ आप समझ लो। तो अभी फिलहाल चलते हैं एंड एक्चुअली ये जो स्लीपर्स है मेरे ये बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं जैसे कि देख सकते हो, उनको एकदम संभल संभल के पैर रखना पड़ रहा है वरना सीधे देखो बहुत मस्त स्लिप होते हैं। एंड अपन इसलिए अभी चल के नहीं जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे। अच्छा साइकिल इधर है, वो वाला साइकिल पंचर है, यो ये वाले, ये एकदम मैं रेयरली यूज़ करता हूँ, तो फटफट इधर चला के वापस जाने के बाद मिलता हूँ, पीस। ओके सो गाइस हैव ड्रॉप द प्लान टू टेक द मोबाइल आउट, कॉज कैसे है ना बाहर बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है, इसके वजह से मैं सिर्फ बाहर जाके खेलूँगा। पहले तो मेरे को लगता नहीं कोई आया रहेगा, इसलिए पहले मैं चेक करूँगा कोई आया कि नहीं, मतलब वैसे तो ये एक आ चुका है तो उसके साथ जाके उन लोग को बुलाऊँगा, अगर उन लोग आए तो ठीक है, वरना नहीं आए तो या देखेंगे बाकी का बाद में। तो एक बैग और मोबाइल घर पे रखता हूँ, सो या वी हैव टू ड्रॉप द आइडिया बिकॉज वी हैव ओनली वन फोन, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैं फटफट घर पे रख के आता हूँ एंड उसके बाद जाते हैं कैमरामैन, लेट्स गो। मेरा चप्पल स्लिप होता है, मैं भूल गया। तो मेरा अभी खेल के हो चुका है इंडिया, मतलब अच्छा खासा अपना खेल के हो चुका है, बिकॉज कैसा है ना बारिश बीच में जोर से गिरी थी, बट या फिर से मतलब
धूप तो नहीं आया लेकिन बारिश जरूर बंद हो गया था। एंड ये अभी मैं घर पे आ चुका है, मेरा खाके भी हो चुका है, मतलब मैं 7:30 बजे आया तो मेरे को भूख लग रहा था तो मैंने 8 बजे ही खा लिया। तो ये अभी फिलहाल मैं अपने दूसरे घर में जा रहा हूँ, कॉज वहाँ पे जाके सोऊंगा। यहाँ पे यार मेरे को नींद नहीं आ रही, वहाँ पे टेरेस है, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। एंड या मुझे और एक चीज़, रात को सोते ना तो एक छोटा सा लाइट शेयर रहता है, बस डर लगता है मेरे को इसलिए। तो यार वो छोटा सा लाइट अपन ने लगा दिया, वो लग ही नहीं रहता यार इतने दिन से, मतलब ऐसा कुछ काम करते ही नहीं अपन, तो मेरे को कुछ आ रहा ही नहीं था कैसे लगाना। तो बाद में ऐसा अंदर पूरा घुसा के आखिर में लगा ही दिया आपके घर में। यो अभी फिलहाल मैं जा रहा घर पे, बस कैसा है ना, कल है संडे और कल है फंडे, बस कैसा है ना को रोज सुबह उठना पड़ता है यार खाली फुगड़ में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। दैट्स वाई अपन अभी कल अच्छे से सोएंगे। वैसे तो मैं सोता नहीं हूँ अभी पूरा, अपन मस्त मतलब सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज सब करते हैं। तो ये अभी फिलहाल मैं उस घर में जा रहा हूँ, मेरा चार्जर उधर ही रह गया फ़ोन का, तो चार्जर भी लाऊंगा स्पीकर भी लाऊंगा, बस कैसा ना कल संडे तो कोई सो नहीं रहा, तो इसलिए अपन टेरिस पे जाएंगे या अच्छे से गाना बजेंगे। ओके तो एक्चुअली कैसा है ना, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लाइट गई थी तो दैट्स वाई मैंने मतलब अभी ड्रेस निकाल दी है। एंड यहाँ मच्छर भी बहुत है यार यहाँ पे, बट कोई नहीं अभी मैं फिर से ड्रेस पहन लूँगा। एंड या अभी लाइट आ चुकी है, एंड या सब कुछ आ चुका है। और एक चीज़ यार पता नहीं इतने दिन से कौन डीजे बजा रहा है, आज भी डीजे बजा रहा है। एंड या आज 12 बज रहे फिर भी बजा रहा है, क्या बात है यार। सो यार लगता किसी की शादी है यहाँ पे, दैट्स वाई वरना इतने रात तक तो कोई बजाता नहीं है। एंड या मैंने मतलब स्पीकर नहीं लाया, बिकॉज स्वयं को किसी का नींद ख़राब नहीं करना है, तो इसलिए मैंने अपना स्पीकर नहीं लाया, मैंने सिर्फ हेडफोन लाया था। तो या उससे मैं गाने सुन रहा था जब करंट गया, तो या अभी अपन टेरिस पे बैठे बिकॉज करंट गया था बट अभी आया, तो टेरिस पे बैठा था। एंड या बाहर मतलब जो वाइब था उसे फील करने की कोशिश कर रहा था, मतलब इतना सही है बाहर, ऐसा लग रहा था कि बाहर किसी ने एसी लगाया, लेकिन या ऐसा लग रहा था कि 30-35 पे लगाया, कॉज इतना भी कूल नहीं था बट या प्लेजेंट था, मतलब आप बैठ सकते हो इतना तो था ही। एंड या घर पे तो बाबा नहीं बैठ सकता था मैं, इसलिए बाहर आ गया। एंड या बाहर मच्छर बहुत काट रहे, शर्टलेस हूँ तो फिर ऊपर से और ज़्यादा काट रहे। एंड या ये लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अभी क्वालिटी इंक्रीज हुई कि नहीं मेरे को बताना, रात को जो क्वालिटी मेरी पहले आती थी अभी की और पहले की कंपेयर करके मेरे को बताना कि इंक्रीज हुई है कि नहीं। सो या यो पीस ब्रो, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय डेली व्लॉग्स। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने डेली व्लॉग्स के लिए, बिकॉज एक नॉर्मल बंदे के लिए मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ गाँव के मतलब थोड़े आसपास, वहाँ पे व्लॉगिंग करना मतलब इट्स लाइक आई गेटिंग 40% इन 10th एंड फेसिंग योर पेरेंट्स। जब आपको समझा रहेगा तो ठीक है, नहीं समझा रहेगा तो भी ठीक है। तो या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने का ज़रूरी है, समझना है तो 2-3 बार फिर से वही सेम देखो, मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला। तो या अगर आपको यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या बेल आइकन भी दबा देना। एंड प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ अपने डेली व्लॉग्स के लिए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड या लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट करना कैसे लग रहे डेली व्लॉग्स, क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी मेरे को इम्प्रूव करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से ही, ऑडियो क्वालिटी की वजह से, मतलब मैं बताता हूँ आपको कल के व्लॉग में। बट या आज का व्लॉग यही तक रखते हैं, तो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन पीस आउट। ओके इसी जगह पे बैठ के मैंने अपना एक रील बनाया कल इंस्टाग्राम के लिए, बिकॉज बहुत दिन से मैं वहाँ पे इनएक्टिव हूँ, तो एक रील बनाया यहाँ पे मैं बैठ के कुछ तो लिपसिंग कर रहा था। इंडिया एक मच्छर आया इतने जोर से काटा है, उसको मैं मतलब इग्नोर कर रहा था, मतलब वीडियो में मैं देख के लिपसिंग ही कर रहा था, बट वो इतना भाई मैं बोला भाई ले ले थोड़ा खून लेना है, तो भाई साहब वो इतना ज़्यादा दुख रहा था भाई, हट जा, मैं कितना मतलब रोक रहा था अपने आप को बट फिर भी नहीं रुक रहा यार। फिर जैसे मैं उसको मारने का साला उड़ गया, एंड मेरा पूरा वीडियो मतलब जो लिपसिंग वाला जो रील था वो ख़राब कर दिया।
वेरी बैड, वेरी बैड, दिस बिहेवियर इज़ वेरी बैड, यू मच्चर, वेरी बैड।